डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सभी फूड सब्सटेंस, वेस्टेज, इन सभी चीजों को यदि बॉडी पार्ट से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो एक कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होने की वजह से यहाँ पर एक एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है। और वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन हायर एनिमल्स दैट आर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट है, एक पंपिंग स्टेशन जो ब्लड को पंप करेगा, हार्ट, ब्लड वेसल्स डक्ट से जिनके अंदर ब्लड रन करेगा, ब्लड वेसल्स आगे ब्लड, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड है बेसिकली एक बॉडी फ्लूड है, बेसिकली यही एक ट्रांसपोर्टेशन करने वाला लिक्विड सब्सटेंस है। हार्ट की बात में सबसे पहले वन बाय वन लेंगे अपन, हार्ट मस्कुलर इनवॉलंटरी ऑर्गन, मस्कुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कार्डियक मसल्स से बना होता है, एज यू नो कार्डियक मसल्स है वो इनवॉलंटरी मसल्स है, वो कभी भी वर्क नहीं रोकती है, रिदमिक फॉर्म में कंटिन्यूस चलती रहती है इनकी, तो ब्लड वर्क रिदमिकली। सेकेंड, ब्लड हार्ट इज अ ब्लड पंपिंग डिवाइस, बॉडी का ब्लड को पंप करने वाला डिवाइस है, मायोजेनिक बिकॉज हार्ट में एक सेल्फ कंडक्टिंग सिस्टम है, और वो कंडक्टिंग सिस्टम एक इनवॉलंटरी मस्कुलर नोड की वजह से होता है, और इस इनवॉलंटरी मस्कुलर नोड का नाम है पेसमेकर। तो सच हार्ट दोज हैव अ पेसमेकर, सच कंडक्शन ऑफ द हार्ट और मैकेनिज्म कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट। तो मोस्ट ऑफ कॉर्डेट्स में, मोस्ट ऑफ कॉर्डेट्स के अंदर है वो मायोजेनिक हार्ट, वर्क रिदमिकली इसलिए कर रहा है कि कार्डियक मसल्स है वो कभी भी अपने वर्क में गैप नहीं देती, नॉन स्टॉप जब से आदमी पैदा होता है उससे भी पहले से लेकर के डेथ तक ये वर्क करती रहती। ईच एंड एवरी हार्ट डिवाइड्स इनटू चैम्बर्स, वेरियस चैम्बर्स, ये दो चैम्बर्स हो सकते हैं फिश में, वीनस हार्ट कहते हैं से हार्ट को, थ्री चैम्बर्स होते हैं तो एम्फीबियंस, और फोर इनकम्प्लीट चैम्बर्स हैं और एम्फीबिया एग्जांपल्स हैं, और फोर कंप्लीट चैम्बर्स जिस हार्ट में होता है उसे क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स कहते हैं। हार्ट्स के ये जो चैम्बर्स हैं ये देखा जाए तो अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर कॉल्ड एट्रियम और ऑरिकल, एंड लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो फिश में वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल होगा, ठीक है। तो हम बात करें यहां पर फिश की बात कर ली, उसके बाद एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन के अंदर थ्री चैम्बर हार्ट है, उस थ्री चैम्बर हार्ट के अंदर ऐसा बना हुआ है, दो तो एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। इनकम्प्लीट रेप्टाइल्स की बात करें तो इनकम्प्लीट रेप्टाइल्स के अंदर ऐसा बना हुआ है, दो तो एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। ये वेंट्रिकल डिवाइड तो हो चुका है, तीन चैम्बर बने हुए हैं इसके अंदर बेसिकली, पर वो जो चौथा चैम्बर डिवाइड हुआ वो इनकम्प्लीट है, ये हो गया। और कंप्लीट के अंदर आते हैं आपके, यहां वेंट्रिकल हो गया टोटल, थ्री चैम्बर है इनर एपिथेलिया एंड फोर कंप्लीट चैम्बर इन क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स लाइक एट्रियम, वेंट्रिकल। हार्ट का दिस साइड, हार्ट दिस साइड कॉल राइट साइड एंड दिस कॉल लेफ्ट साइड। हार्ट हमेशा फेस टू फेस फ्रंट के अंदर उसका डायग्राम बनाया जाता है, तो दिस आपका जो राइट हैंड है वो हार्ट का राइट साइड हो गया, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपके हार्ट का लेफ्ट साइड, ठीक है। अब हम बात करें ह्यूमन हार्ट, क्योंकि हमें एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन का पढ़ना है, तो ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट उसके बारे में पढ़ना है, ब्लड वेसल्स उसके बारे में पढ़नी है, ब्लड के बारे में पढ़ना है। यहां पर आप एक बिल्कुल ब्यूटीफुल सा डायग्राम देखा है, इस ब्यूटीफुल डायग्राम के अंदर आप देखिए एक ट्रायंगल शेप है, हमारे चेस्ट रीजन के अंदर एक कैविटी होती है जो लेफ्ट साइड होती है, उस कैविटी को कहते हैं मीडिया स्टेनल कैविटी, चेस्ट कैविटी में मीडिया स्टेनल कैविटी, उस मीडिया स्टेनल कैविटी में हार्ट एग्जिस्ट करता है। इस हार्ट पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कार्डियक मेम्ब्रेन कहते हैं, ये इसे प्रोटेक्शन देने के साथ शॉक
प्रिवेंट करने का काम भी करते हैं। हमारा हार्ट 1 2 3 4 कितने फोर्स में डिवाइड है, चैम्बर्स में डिवाइड है, 4 चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स कॉल एट्रियम, तो ये आपका एट्रियम का कौन सा साइड हो गया, ये आपकी बॉडी का राइट साइड है तो हार्ट का भी राइट साइड हो गया, ये आपकी बॉडी का लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड हो गया। इस हिसाब से एट्रियम अपर चैम्बर्स कॉल एट्रियम, सो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, द लोअर चैम्बर्स आर इन द साइड ऑफ राइट, दैट कॉल्ड राइट वेंट्रिकल एंड दूसरी साइड में हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये चार चैम्बर्स वाला ब्लड, यानी कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में एक ओर के थ्रू खुल रही है जिसको एट्रियम वेंट्रिकल कोर कहते हैं। उसी तरह से एट्रियम वेंट्रिकल कोर लेफ्ट साइड में भी होता है, राइट। अब हम बात करें यहां पर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो ब्लड लाने वाली डक्ट होती है उसको वेना कावा कहते हैं। ये लोअर टैप लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर के एंटर कर रही है राइट एट्रियम में और अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर के आ रही है वो वेना कावा, वो राइट एट्रियम में एंटर कर रही है। यहां से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल्स में और राइट वेंट्रिकल से यहां से ब्लड की ओर निकले कहां जाता है, लंग्स के अंदर। लेकिन कौन जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यहां से लंग्स से वापस ब्लड एंटर करता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, इसमें आता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां एक ओपनिंग है जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है इस ब्लड को, जिसे ऑर्टा कहते हैं। तो ब्लड लाने का काम कौन कर रहा है, वेना कावा। ब्लड लाने का काम कौन कर रहा है, पल्मोनरी वेन, वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन ट्रांसपोर्ट द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, राइट। एंड आर्टरीज, ऑर्टा और आर्टरीज दे ट्रांसपोर्ट द ब्लड, दे कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज तक लाने का काम कर रही है। वॉल्स की बात करें, पर्टिकुलर हार्ट के अंदर वॉल्स जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ब्लड को केवल फॉरवर्ड या एक फ्लो करवाते हैं पीछे से आगे की तरफ, यूनिफ्लो करवाते हैं, फॉरवर्ड फ्लोइंग करवाते। ये वॉल्स कौन कौन से हैं, यदि मैं यहां पर ऑल ओवर बात करूं तो यहां पर वेना कावा की भी ओपनिंग है, वहां पर भी वॉल्व होगा, वेना कावा यहां पर भी है, यहां पर भी ओपनिंग होगा, तो यहां पर भी इसका रेगुलेट करने के लिए क्या होगा, वॉल्व होगा, ठीक है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में खुल रहा है उसका भी एक वॉल्व होता है और उस वॉल्व को हम कहते हैं एट्रियम वेंट्रिकल वॉल्व। लेफ्ट साइड में भी एट्रियम वेंट्रिकल में खुल रहा है, यहां पर भी कौन सा एक वॉल्व हो गया, एट्रियम वेंट्रिकल वॉल्व। यहां देख सकते हैं इस वॉल्व के अंदर दो फ्लैप्स, टू फ्लैप्स, दिस वॉल्व पजेस टू फ्लैप्स और टू फ्लैप्स होने की वजह से इस वॉल को हम क्या कह सकते हैं, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के कनेक्शन में, वेंट्रिकल के कनेक्शन में एक वॉल होता है जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, क्योंकि यहां पर थ्री फ्लैप्स है और यहां पर टू फ्लैप्स है, ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल को मटेरियल वॉल भी कहते हैं, आपके बुक के अंदर मटेरियल वॉल के नाम से भी होगा। अब देखिए अपन राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहां से लंग्स के थ्रू लंग्स के अंदर जाएगा, ये ओपनिंग कहां पर, ये ओपनिंग किसकी है, ये पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है, रेगुलेट कौन करेगा, एक वॉल करेगा। तो आपके राइट वेंट्रिकल साइड के अंदर, राइट वेंट्रिकल साइड में एक वॉल है, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी है, यहां पर ओपन हो रहा पल्मोनरी आर्टरी, उस पर एक वॉल है जिसको कहते हैं 3-3 सेमी लूनर वॉल, 3 सेमी लूनर वॉल। उसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल पर भी एक वॉल होता है, ये ओपनिंग किसकी होती है, ये ओपनिंग होती है ऑर्टा की, ऑर्टा की ओपनिंग पर एक वॉल है जिसको भी कहते हैं 3-3 सेमी लूनर वॉल। नाम है सेमी लूनर वॉल, तो एक्चुअली थ्री वॉल्स मिलकर के एक कॉम्पोजिट वॉल प्रिपेयर बना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, क्योंकि मायोजेनिक हार्ट पोजेस अ सेल्फ कंडक्टिंग सिस्टम बिकॉज ऑफ सेल्फ इनवॉलंटरी मस्कुलर नोड। दिस
मस्कुलर नॉड कॉल पेसमेकर बिकॉज पेसमेकर प्रेजेंट सी अवर हार्ट इज अ मायोजेनिक हार्ट. तो चार चैम्बर हो गए. मायोजेनिक हार्ट है, अपर चैम्बर्स है वो आपके एट्रियम और ऑरिकल्स, और लोअर चैम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं. बॉडी के अंदर लाने वाली ब्लड वेसल्स भी है, बॉडी से हार्ट की तरफ लाने वाली भी वेसल्स हैं और हार्ट से दूर ले जाने वाली भी वेसल्स होती. जितने भी हाई कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनमें एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है. बेसिकली ब्लड दो तरह के होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन होती है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसमें CO2 होती है उसे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इन दोनों को सेपरेट रखने की जरूरत है. थर्ड, बॉडी डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड होने से मस्कुलर सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत फास्टली उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. ब्लड प्रेशर, प्रेशर के साथ में ब्लड को बॉडी में सप्लाई करना जरूरी है. ये कब पॉसिबल है? जब एक एडवांस सर्कुलेशन हमारी बॉडी डिजाइन है, और दैट एडवांस बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम कॉल डबल सर्कुलेशन. हार्ट से दो बार ब्लड पास होता है. टिश्यू और बॉडी से जो कलेक्टेड ब्लड है हार्ट में आता है, हार्ट में कलेक्ट होने के बाद ये लंग्स में प्योर होने के लिए जाता है. बॉडी से आने वाला ब्लड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, ब्लड है इसलिए इस तरह के ब्लड, और यहां पर हार्ट से उसको प्रेशर करके कहां पर जाया जा रहा है, लंग्स में. इस तरह का जो ब्लड है उसमें CO2 मिली है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इन दोनों हार्ट की कौन सा पोर्शन है? राइट साइड. हार्ट के इस राइट साइड के अंदर इंप्योर ब्लड मींस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. यहां से इसको कहां भेजा जा रहा है? लंग्स. लंग्स में कौन सी गैस आती है? ऑक्सीजन. और उस ऑक्सीजन गैस को मिक्स किए जाने पर ब्लड में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन मिलाए जाने पर वो कैसा ब्लड हो जाता है? वो ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यानी कि अब उस ब्लड के अंदर कौन सी गैस मिक्स हो चुकी है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इस तरह के ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाती है, इस तरह के ब्लड को कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहां से लंग से ये ब्लड आता है राइट लेफ्ट एट्रियम में, देन आता है लेफ्ट वेंट्रिकल. तो हार्ट का लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजन गैस मिली हुई है, और ब्लड के अंदर जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको लंग्स बाहर निकाल ही देता है. यहां से अंदर आने के बाद पूरी बॉडी के अंदर टिश्यूज में इसको सप्लाई करने के लिए भेजा जाता है. तो एक तरह से डबल सर्कुलेशन इसलिए हुआ कि ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, ट्वाइस, फर्स्ट एंड सेकेंड. ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट ऑफ द बॉडी, इन वन सर्कुलेट, इन वन साइकिल. एक पूरी साइकिल होने के लिए, बॉडी से कंप्लीट होने के लिए ब्लड को हार्ट से दो बार पास होना पड़ता है. पहली बार देखिए ये बॉडी के टिश्यू से आकर के इकट्ठा हो रहा है, लंग्स की तरफ भेजा जाता है. यानी कि टिश्यू से हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स, ये सर्कुलेशन हो गया, ठीक है. और दूसरी बार में लंग्स से कलेक्ट होने वाला ब्लड हार्ट, लंग्स से हार्ट और हार्ट से बॉडी डिजाइन में आता. मैं यदि सर्कुलेशन की बात करूं, दो सर्कुलेशन हो रहे हैं. पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट इज दिस इज द अरेंजमेंट टू सप्लाई ऑफ कलेक्टेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड लंग्स टू द अगेन हार्ट. तो हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट तक में लाए जाने वाले इस पाथवे को हम पल्मोनरी पाथवे और पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. दिस कॉल पल्मोनरी सर्कुलेशन. चला, हार्ट में आए हुए ब्लड को लंग्स तक और लंग्स से लाए हुए ब्लड को वापस हार्ट में सप्लाई किया जाता है. सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी सिस्टेमिक का मतलब बॉडी के टिश्यू और बॉडी से रिलेटेड पार्ट. सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट के अंदर, हार्ट में लाया हुआ ब्लड, हार्ट में लाया हुआ ब्लड टिश्यू में भेजा जाता है, टिश्यू से वापस हार्ट में आ जाता है.
तो यहां से हार्ट से लाया गया ब्लड टिश्यू बॉडी के अंदर सप्लाई किया जा रहा है और यहां से बॉडी के अंदर से वापस कहां पे ले जा रहा है, हार्ट के अंदर। तो इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। अब हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन, क्यों जरूरत है। सेपरेशन ऑफ O2 ब्लड एंड CO2 ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट करना है। हार्ट का ये राइट साइड, हार्ट का ये लेफ्ट साइड, हार्ट का राइट साइड जिसमें ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है इसको सेपरेट रखा जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड। ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब डबल सर्कुलेशन। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है और उसको ऐसे ब्लड से मिक्स होने दिया जाए जिसमें CO2 हो, तो क्या वो ब्लड सप्लाई होने के बाद उस टिश्यू को, उस मसल्स को, उस बॉडी के पार्ट को क्या उतनी प्रॉपर एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी दे पाएगा, क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिक्स हो चुके हैं। जबकि एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन की एक सफिशिएंट अमाउंट ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में होनी चाहिए। तो सेपरेट करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज एनर्जी, एनर्जी के बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत है, तो ऐसा करना जरूरी है कि वहां पर प्योर ब्लड ही सप्लाई किया जाए। कब पॉसिबल है, जब डबल सर्कुलेशन हो। ब्लड प्रेशर, ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पूरी तरह से सप्लाई करने के लिए जरूरी है कि हार्ट के अंदर एक प्रेशर बने और उस प्रेशर की वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को सप्लाई किया जाता है। तब पॉसिबल हो पाएगा जब कौन सा सर्कुलेशन होगा, डबल सर्कुलेशन। अब यहां पर एक चलते हुए अपन एक बात और कर लें कि डबल सर्कुलेशन के अलावा यदि मैं एग्जांपल दूं फिश का, तो फिश के अंदर ये सारा सिस्टम होता ही नहीं, उसमें होता है सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। इस सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट से दो बार ब्लड पास नहीं होता, तो हम इस डेफिनेशन को यहां होल्ड कर देते हैं। ब्लड पासेस ओनली वन टाइम थ्रू द हार्ट टू कंप्लीट देयर साइकिल इन बॉडी, बॉडी में साइकिल को पूरा करने के लिए हार्ट से एक ही बार पास होता है। कैसे, बॉडी के डिफरेंट टिश्यू से कलेक्ट होकर के ब्लड कहां आएगा, एट्रियम में, उसके बाद वेंट्रिकल। किसकी बात चल रही है, हार्ट। यहां से आने के बाद ये कहां जाएगा, गिल्स में, और गिल्स से वापस कहां जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स। सर्कुलेशन हुआ ना, यहां पर देखिए ये हार्ट वाले सेक्शन के अंदर यहां जो टिश्यू से हार्ट की तरफ जाने वाला ब्लड है वो कौन सा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कौन सी गैस मिली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से जो ब्लड पास हो रहा है हार्ट से निकल करके गिल्स की तरफ जा रहा है, उसमें भी कौन सी गैस मिली हुई है, CO2+ ब्लड, यानी कि यहां पर भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट गिल्स से पास होने के बाद वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाएगी, इस ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाएगा और ब्लड में डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने की फिनोमेनन किसमें होती है, कैपेसिटी होती है गिल्स में, तो ले ली जाएगी। अब इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गैस मिल चुकी है, अब ये हो चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरह से फिश के अंदर पूरी बॉडी में ब्लड के एक साइकिल को पूरा करने के लिए हार्ट से एक ही बार पास होना पड़ता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट में एंटर कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट से बाहर निकल रहा है, गिल्स के अंदर जो भी स्टोर ऑक्सीजन है उससे ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वापस पूरी बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। इतना सिंपल बॉडी डिजाइन होने की वजह से यहां सिंगल सर्कुलेशन की जरूरत पड़ रही है, डबल सर्कुलेशन की जरूरत आपने देखा ये किस वजह से रिक्वायर होती है। रिदमिक वर्क करता है, कार्डियक मसल्स में होती है, नॉन स्टॉप ये वर्क करती रहती है। हार्ट के फंक्शन की बात करें तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैंबर्स होता है। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। ये रिदमिक फॉर्म वन सिस्टोल और वन डायस्टोल दैट कॉल हार्ट बीट,
और हमारी 1 मिनट में जो हार्ट बीट्स होती है वो 72 होती है. दैट्स व्हाई आवर रेट ऑफ हार्ट इज 72, राइट. तो फंक्शन ऑफ हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो ब्लड में गिरता है, और ब्लड से ये प्रेशर कहां जाता है, ब्लड वेसल्स में, आर्टरी एंड वेन्स. तो ब्लड प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड अपॉन द वॉल ऑफ वेन एंड आर्टरी इन द ब्लड वेसल्स ड्यू टू सिस्टोल एंड डायस्टोल. सिस्टोल और डायस्टोल यानी कि ये सिस्टमेटिक कॉन्ट्रैक्शन है, और डायस्टोल इज ए सिस्टमेटिक रिलैक्सेशन. तो सिस्टमेटिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यानी सिस्टोल की वजह से जो ब्लड की ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है वो मैक्सिमम होता है, डायस्टोल की वजह से मिनिमम होता है. सिस्टोल की वजह से मैक्सिमम जो प्रेशर पड़ता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोल की वजह से मिनिमम पड़ने वाले ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर का जो एवरेज ह्यूमन बीइंग के हार्ट में प्रेशर होता है वो 120 मिलीमीटर पर एचजी, 120 mm Hg होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है 80 mm Hg. तो नॉर्मल पर्सन की, नॉर्मल ह्यूमन की जो ब्लड प्रेशर रेंज है वो होती है 120 80 mm Hg, और इसको मेजर किया जाता है मेजरिंग डिवाइस के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसको कहते हैं स्पैग्मोमैनोमीटर. आपने डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर को इनलेट करवाया हो तो बेसिकली या तो वो एक पट्टा बांधता है यहाँ पे या इधर बांधता है, उसको बांधने के बाद में आपने देखा होगा कि एक कुशन होता है, उस कुशन को दबाता है, और उस कुशन को दबा करके इतनी एयर बढ़ता है कि उस एयर में बना हुआ प्रेशर आपके ब्लड की जो वेसल्स है उसमें पड़े हुए ब्लड के प्रेशर के साथ में इक्वल हो जाए. तो ऐसे पोजिशन के अंदर उस डिवाइस पर एक स्केल होती है जिस पर रन करता है मर्करी बबल, और वो मर्करी बबल जब एयर का प्रेशर और आपका ब्लड का प्रेशर इक्वल हो जाता है तो वहां पर वो पल्स शो करता है, ठीक है. तो इस तरह से उस स्पेग्मोमैनोमीटर के थ्रू ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है. ब्लड ग्रुप्स आर रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट, फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द हार्ट ऑन द लेवल ऑफ टिश्यू. दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट द आर्टरी और वेन्स टूगेदर, राइट. तो ब्लड वेसल्स आर 3 टाइप्स, आर्टरीज, दीज कनेक्शन. कनेक्शन क्या है, बेसिकली आर्टरीज आर रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ब्लड टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज, राइट. वेन्स आर रेस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट और टू कैरी द ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द हार्ट. और ब्लड कैपिलरीज में क्या करते हैं, ब्लड कैपिलरीज क्या है, कनेक्ट आर्टरी और वेन्स, आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करने का काम कर रही है. तो आर्टरीज क्या काम कर रही है, आर्टरीज हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज तक ब्लड की सप्लाई करवा रही है. वेन्स क्या कर रही है, डिफरेंट बॉडी टिश्यूज और बॉडी पार्ट से कलेक्टेड ब्लड को हार्ट में लेके आ रही है. और ब्लड कैपिलरीज क्या है, बहुत ही माइक्रोलर बहुत माइक्रो लेवल पर टिश्यू लेवल पर आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करने का काम कौन कर रही है, टिश्यू लेवल पर कनेक्ट करने का काम ब्लड कैपिलरीज कर रही है. वी नाउ वी कंपेयर दीज आर्टरी वेन एंड ब्लड कैपिलरीज. इस तरह से डायग्राम में मेंशन है आपने, आर्टरी साइज में बड़ी होती है, वेन साइज में थोड़ी छोटी होती है कंपेरेटिवली, ब्लड कैपिलरीज और भी छोटी होती है. ध्यान देना, ब्लड कैपिलरीज में मसल्स लेयर नहीं होती, और इस मसल्स लेयर के नहीं होने की वजह से ये क्या कर सकती है, डिफ्यूजन कर सकती है. टिश्यू लेवल पर ब्लड एंड टिश्यू के इन बिटवीन यदि एक्सचेंज करना है गैसेस का, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस का, वेस्ट मटेरियल्स का, तो ब्लड कैपिलरीज आर वेरी डेलिकेटेड, वेरी डिवोटेड फॉर दिस प्रोसेस. सेकंड, वाइड ओपन, ये नैरो है और ये वेरी माइक्रो है. वॉल की बात करें, यहां पर आर्टरीज की वॉल बहुत मोटी है, थिक वॉल, यहां पर थिन वॉल, और यहां मस्कुलर लेयर नहीं होने की वजह से कैसी होगी, वेरी फाइन वॉल. वेरी फाइन फॉर व्हाट,
diffusion, exchange of oxygen, carbon dioxide and other substances between tissue and blood. नैरो ल्यूमेन वाला हिस्सा जिसमें ब्लड एंटर करता है वो बिल्कुल छोटा है, नैरो ल्यूमेन. इसके अंदर क्या है, वाइडर ल्यूमेन, और इसमें बहुत ही नैरो ल्यूमेन होगा, राइट. हाई बीपी बिकॉज ऑल आर्टरीज कलेक्ट ब्लड, रिसीव ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, तो हार्ट का जो प्रेशर होगा वो उसको झेलना पड़ेगा. तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, यहाँ पर लो ब्लड प्रेशर है और यहाँ पर वेरी लो ब्लड प्रेशर होगा. हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से आर्टरीज में ब्लड तेजी से रन करता है. ब्लड रन्स वेरी फास्ट, ब्लड रन्स वेरी स्लो इन अ जॉग्स, झटके लग लग करके. कई बार ये पोजीशन आती है कि बैकवर्ड भी कहीं ब्लड ना चला जाए, इसलिए इस पर यूनिडायरेक्शनल वॉल होना जरूरी है. ये वॉल्व प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स. यहां पर किसी तरह का वॉल्व नहीं होता और यहां पर ब्लड बहुत ही स्लो रन करता है. क्यों? क्योंकि ये टिश्यू लेवल पे हो गया और ये ऑर्गन्स लेवल के ऊपर हो गया. जैसे ही ब्लड पूरा रन करके पूरी बॉडी में रन करके आ रहा है तो वो वेंस में जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता, यहां पर लो ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट, आर्टरीज इन डेप्थ, डेप्थ में होती है और वेंस है वो सुपरफिशियल होती है, बॉडी के किनारे किनारे पे होती है, और ब्लड कैपिलरीज बहुत ही टिश्यू लेवल पे होती है, माइक्रो लेवल्स पर होती है. तो ये ब्लड वेसल्स हैं. एग्जांपल्स की बात करें, अभी अपन ने डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम पढ़ा, हार्ट का डायग्राम पढ़ा था. यहां पर बॉडी से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड लाने वाली जो डक्ट्स हैं वो वाना कावा था, पोस्टीरियर वाना कावा एंड एंटीरियर वाना कावा. पोस्टीरियर लोअर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में लेके आ रही है और एंटीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा अपर पार्ट से ब्लड लेके आ रही है वेना कावा. दूसरा पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन है वो लंग्स से ब्लड कलेक्ट करके लेके आ रही है, वेन कलेक्शन करने का काम और हार्ट में ले जाने का काम वेन्स का. आर्टरीज की, आर्टरीज क्या कर रही है, ब्लड की सप्लाई कर रही है. ब्लड की सप्लाई इन द सेंस बेसिकली हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड. तो ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ब्लड लेके जा रही है प्यूरिफिकेशन के लिए, और ऑर्टा पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करने के लिए हार्ट से दूर लेकर के ब्लड को जा रही है. तो यहां पर आर्टरी है या वेन है, इस तरह से हमें पता चले कि जो डक्ट हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती है उन्हें वेन्स कहते हैं, और जो हार्ट से दूर लेकर के ब्लड लेके जाती है उसे आर्टरीज कहते हैं, और जो दोनों को कनेक्शन करवाती है उसे ब्लड कैपिलरीज कहते हैं. ठीक है, एग्जांपल यहां पर ऑर्टा हो गया, यहां पर पल्मोनरी आर्टरी होगी, यहां वेना कावा और पल्मोनरी वेन हो गया, और ब्लड कैपिलरीज हो गया टिश्यू लेवल पर कनेक्ट आर्टरी और वेन्स को बनाने वाली डक्ट्स को हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज. नेक्स्ट लेते हैं अपन ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, द फंक्शन ऑफ ब्लड. एज ए लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू इट इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन वर्क्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट. कंपोजिशन की बात करें, प्लाज्मा 55% पार्ट होता ब्लड का, और ब्लड सेल्स और कॉर्पसल्स है वो 45% पार्ट होता ब्लड. प्लाज्मा की बात करें, लिपिड पार्ट ऑब्लिक और इनऑब्लिक सब्सटेंसेस में मिक्स रहते हैं, सब्सटेंस है वाटर, हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज, नेटिव वेस्टेज प्रोडक्ट्स, गैसेस और फूड सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा. ब्लड सेल्स सॉलिड कॉम्पोनेंट्स है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं इनको, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं इसको, प्लेटलेट्स फ्लैट फ्रेगमेंट्स टुकड़े, फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल्स, राइट. आरबीसी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, डब्ल्यूबीसी आर रेस्पॉन्सिबल टू इम्यून सिस्टम, इम्प्रोवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, एंड प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल वर्क फॉर द ब्लड क्लोटिंग, अननेसेसरी ब्लड के फ्लो को रोकने का काम. ट्रांसपोर्टेशन की बात चल रही है यहां पर, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का बहुत बड़ा पार्ट, इवन 70-90% पार्ट है वो हीमोग्लोबिन कैरी करता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म में. ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन कर रहा है ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में,
कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हीमोग्लोबिन के साथ में जाता है कार्बामिनो ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म के अंदर। ऑक्सीजन का बहुत बड़ा पार्ट तो इस फॉर्म में जा रहा है, पर बहुत माइनर फॉर्म में ये प्लाज्मा के साथ में भी जा रहा है डिजॉल्व फॉर्म में, पर कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर हीमोग्लोबिन के साथ में जा रहा है बहुत माइनर फॉर्म में, बट प्लाज्मा वॉटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म है वो 70-75-80% तक जा रहा है बाई कार्बोनेट्स फॉर्म के अंदर। लेते हैं कुछ अनटच पॉइंट। प्लाज्मा ब्लड में से ब्लड कॉर्पसल्स निकाल दी जाए तो एक कलरलेस फॉर्म आ जाती है प्लाज्मा कहते हैं। लिप कुछ पार्ट प्लाज्मा का और उसके साथ लिम्फोसाइट्स ऐड कर दिया जाए तो उसे लिम्फ कहते हैं। लिम्फेटिक डक्ट्स और लिम्फ दोनों मिलकर के जो सिस्टम बनाती है उसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। वेन से हार्ट की तरफ जाने जो वेन से वेन के पैदल हार्ट की तरफ ले जाने वाली ये सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम होती है, यानी कि ये लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक डक्ट वेन के पैदल पैदल डिफरेंट कंपोनेंट्स को लेकर जाने का काम कर रही है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह से वेन का सिस्टम है आर्टरी का सिस्टम है, हमारी हर एक बॉडी सेल्स तक टिश्यू तक डिफरेंट कंपोनेंट्स की सप्लाई और उन्हें कलेक्ट करने के लिए लिम्फ रन करता है टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे इस लिम्फ के रन करने की वजह से इस टिश्यू लेवल को टिश्यू को लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। टिश्यू फ्लूड की क्या काम है, लिम्फ के क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जहां विलाय और माइक्रोविलाय आपने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाय और माइक्रोविलाय पोर्शन के अंदर जो एब्जॉर्ब फूड होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स के जो सिंपलेस फॉर्म होते हैं वो एब्जॉर्ब करने के बाद किसमें मिला दी जाती है लिम्फ में। ये लिम्फ डक्ट्स वहां से कैरी करती है हार्ट की तरफ ले जाती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस गैस के एक्सचेंज के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। फाइनली प्लाज्मा और प्लाज्मा के लिम्फ पोर्शन को जब टिश्यू लेवल पर पहुंचाया जाता है तो टिश्यू लेवल पर टिश्यू एंड लिम्फ के बीच में एक गैसेस एक्सचेंज हो सकता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड किलिंग ऑफ द जर्म्स, क्योंकि लिम्फ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट WBCs होती है जिसे लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये लिम्फोसाइट्स है वो जर्म्स को किल करने का काम करती है, तो एक तरह से लिम्फ हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है। तो इस तरह से आज अपन ने इस चैप्टर का थर्ड पोर्शन कंप्लीट किया है ट्रांसपोर्टेशन। हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गन्स, ह्यूमन हार्ट की बात करी, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपके ह्यूमन हार्ट ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वाला पोर्शन। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ में होंगे जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, लाइकोसिस का फोर्थ पोर्शन जिसको हम कहेंगे एक्सक्रीशन। तो नया टॉपिक नया वीडियो टिल द नेक्स्ट कीप योर रिवाइजन रेगुलरली टेक केयर।